You're watching Newsbreak. To show their solidarity with farmers, several former sports stars have now started coming out and are protesting against the government. A group of top sportspersons and coaches from Punjab have decided to return the prestigious awards which they received. Now, the group includes Olympic hockey players and Arjuna Award winners such as Sajjan Singh Cheema, the wrestler and Padma Shri awardee Kartar Singh, the Olympic gold medalist and hockey player Gurmel Singh, and the former India hockey captain Rajbir Kaur. But the list is long. There are several others as well. In fact, 27 Arjuna Award winners have said that they are going to return these, their Arjuna Awards, given in recognition of their sporting achievements in this country, many of them India internationals. In fact, more and more celebrities are coming out in support of protesting farmers. The popular Punjabi singer Gurdas Mann and the actor Sonu Sood have voiced their support. Here's what Gurdas Mann had to say. खुद धूप में बैठा है छांव के पेड़ लगाने वाला ते हुण रही सरकार दी गल मेरी सरकार अगे हथ बन के पुरजोर बेनती है कि जड़े किसान अपने परिवार नूं छड़ के अपने बच्चों नूं छड़ के बच्चों वांगू पालियां फसलों नूं छड़ के दिल्ली दियां सड़कां ते दरब दर पटक रहे ने उन्हां दे मुद्दियां ते गौर किया जाए बजुर्गों की बजुर्गी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ किया जाए उन्होंने आवाज से फरियाद को सुनिया जाए सरकार तो इंसाफ की उम्मीद रखते हुए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जो पहले दिन क्या से ये किसान है तो हिंदुस्तान है. Well, joining us now, three real stars in Indian sport who have decided to back the farmers, returning his Padma Shri and Arjuna Award is Kartar Singh, the Indian wrestler, Rajbir Kaur and Gurmel Singh. Indian hockey players are returning their Arjuna Award and Dhyan Chand Awards for hockey. Thank you all very much for being with us. Kartar ji, pehle aap se baat karte, aapne kab ye decision liya ki aap kisano ko samarthan denge aur apna Arjuna Award ko wapas denge? Bilkul 30 tarikh ko ji, humne, main din mein utha to maine TV dekh raha tha ke kisano pe bahut मारा मारी हो रही थी और हरियाणा में इतना उन्होंने जाते टाइम इतना उनको पानी की पिछाड़े कई कुछ उनको रिचने पाई जाने के लिए बहुत कुछ तंग किया परेशान हुए लोग और उसके बाद दिल्ली पहुंचे दिल्ली में भी पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया कई कुछ फिर शांत में ही धरना दे रहे थे वो 6 महीने से और वहां जाकर भी उन्होंने शांतमयी सारा कुछ किया फिर जाके उन्होंने फिर गुरपुरब बनाए सबको लंगर छकाया जो जिनसे डंडे खा रहे थे उनको बिठा के साथ उनके साथ लंगर उन्होंने छकाया तो ये देख के मुझे जो उनको परेशान किया सबको हमने पंजाब के प्लेयरों के साथ मैंने बात की तो कतार, हमें कतार जी, एक चीज बताइए खिलाड़ियों के लिए अर्जुना अवार्ड सब होता है मतलब आप कितने कई सालों के लिए आपने रेसल किया है पंजाब के लिए इंडिया के लिए और फाइनली आपको अर्जुना अवार्ड दिया गया है तो मतलब अर्जुना अवार्ड को छोड़ने के लिए मतलब दिक्कत नहीं हो रहा आपको? ऐसा है जी मैं पद्मश्री भी हूँ अर्जुना अवार्ड भी हूँ लेकिन दिक्कत तो होता है लेकिन जो हमारे बड़े जिन्होंने हमें पाला है हम किसानों के बच्चे हैं वो हमारा सारा परिवार सब प्लेयरों का वो सपोर्ट करते हैं और उनको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है और इतना हमें तसद्दद नहीं देखा गया जो किसानों पे चल रहा था कि हमने सब ने फैसला किया है जो भी हमारे पद्मश्री सारे पंजाब के कोई 50 प्लेयर होंगे जो सबको हम वापस कर रहे हैं जो पद्मश्री द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड है ध्यानचंद अवार्ड है जितने भी सेंटर ने गवर्नमेंट ने हमारे पंजाबियों को अवार्ड दिए हैं हम 5 तारीख को और यहाँ से 9 बजे चलेंगे और सबका ये वापस करेंगे ये राष्ट्रपति को जाके और हमने टाइम मांगा है 6 और 7 तारीख को जब भी टाइम देते हैं हम उनको मिलके ये अर्जुन अवार्ड वापस करेंगे और किसानों के साथ मोटे न मोटा जोड़ के चलेंगे. All right, Kartar Singh ji, thank you very much for joining us. Kartar Singh, one of the
the dozens of sports stars who have actually given up some of the most prestigious sporting awards in India, which they'll return at Rashtrapati Bhavan in a couple of days from now. Thank you very much indeed. So we're now joined by Rajbir Kaur and Gurmail Singh, India hockey players, Arjuna Award winners, and a Dhyan Chand Award for hockey winner as well. Thank you both very much for being with us. Rajbir ji, pehle aapse main poochta hu, aapne decision liya ki aapka award wapas denge Rashtrapati Bhavan pe, ye aapne kaise tay kiya, kyun kiya? सर एक्चुअली सबसे पहले तो थैंक्स आपका आपके चैनल का जो हम हमें आप लोगों के साथ रूबरू कर रहे हैं. वो ऐसे हुआ जब हमने देखा कि हमारे जो जितने हमारे फॉर्मर्स हैं वो बड़े शांतमयी प्रदर्शन उनका चल रहा था और जैसे 3-4 महीने से वो ऑलरेडी टोल प्लाजा या जितने हमारे स्टेशन है लाइने हैं उन पे बैठे हुए हैं और उन्होंने जो कॉल भी दी थी वो यही बोला था कि हम शांतमयी प्रदर्शन करेंगे. और जब यहाँ से पंजाब से तो चले गए लेकिन उसके बाद जब हरियाणा में पहुंचे तो उनके साथ बहुत ही बेसब्री की गई है और जो मतलब उनके साथ पानी की बिछाड़े और उनके साथ फिर डंडे बरसाए गए पुलिस की तरफ से डंडे भी बरसाए गए उनके ऊपर. और वो जब ये सारा कुछ हमने टीवी के ऊपर देखा जो हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे जितने बच्चे लेडीज और उनके ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ वो जब देखा तो बहुत ही अफसोस हुआ. और ये सब देखते हुए हमने सोचा कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और जो हमें इतने गवर्नमेंट ने सम्मान दिए हुए हैं आज जो हमारा अन्नदाता है अगर वो ही सड़कों पे रुल रहा है और जिसकी बदौलत पे आज हम यहाँ पे खड़े हैं और जो हमारा पेट पालता है आज उसके साथ इतनी बदसलूकी हो रही है तो हमें ये जो सम्मान गवर्नमेंट ने दिया हुआ ये सम्मान हमें रखने का कोई भी आइडिया नहीं बनता. तो फिर हम सब स्पोर्ट्समैन इकट्ठे हुए और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसमें डिसाइड कर लिया कि हम लोग अपने जो अवार्ड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिले हुए हैं वो हम वापस करेंगे. तो यही हमारा प्लान है और हम जो परसों के सैटरडे को हमने अपना 9 बजे यहाँ से चलने का रखा है और यहाँ से हम लेके अपने अवार्ड राष्ट्रपति भवन जाएंगे. गुरमेल जी, एन अर्जुना अवार्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन. आपके लिए अर्जुना अवार्ड मतलब आपने कितने साल स्ट्रगल किया होगा अर्जुना अवार्ड के लिए, आपने कितने सारे लेवल्स में खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट में खेले हैं, स्टेट में, देन अल्टीमेटली इंडिया, और अब आप अपने अर्जुना अवार्ड को वापस दे रहे हैं तो इसमें जरूर कुछ दुख भी हुआ होगा आपको. बिल्कुल जी, ये तो समझ लो कि हमारे जो ऑलमोस्ट जो जवानी वाला टाइम है वो सारा ही हमने स्पोर्ट्स पे लगाया और अर्जुन अवार्ड लेने के लिए भी आपको पता ही है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो ही हम उस मुकाम पे पहुंचते हैं. और तकलीफ दे है कि हम वापस कर रहे हैं लेकिन जो किसानों के साथ सलूक हो रहा है उस तकलीफ से हमारी तकलीफ मेरे को लगा. और गुरमेल जी आप कुछ बताएंगे इस पे? ऐसे है जो पहले आपको राजवी कौर ने बताया है वो पहले बातें हैं जो आप अभी पूछ रहे हैं. अभी जो एक में से कोई शक नहीं हमने जो इस मुकाम पे किया मेडल के लिए और वार्ड के लिए उसमें स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन क्या बात है भी जो हमारे बहन और भाई और बहन है और हमारे बुजुर्ग है वो इतनी सर्दी है और उनको वहां पानी कराया गया है और लाठी चार्ज किया गया है और सड़कों पर रोल रहे हैं वो हमें देखे नहीं गए क्योंकि ये पहले भी है कि बच्चा वो ही अच्छा होता है जो अपने माँ बाप की ख्याल रखता है. अगर हमारे माँ बाप जो सड़कों पर रोए हैं तो हमारे हम जो हमारे पास ये वार्ड है ये इन्हों का क्या फायदा घर में टिका कर रखने का. लेकिन ये गवर्नमेंट तो अपनी है ना, कोई ऊपर से तो नहीं ना आई तो इनको क्या बात है, कौन सी बात है जो देश डाउन थोड़ा हो जाएगा, देश खत्म थोड़ा हो जाएगा अगर ये किसानों की बात मान ले तो. वो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा जी. गुरमेल सिंह जी एंड राजबीर कौर, थैंक यू बोथ वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. इट इज इट्स सो सैड एट वन लेवल दैट दीज आर सम ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पीपल, मेन एंड वुमेन. They've represented the country. Many of them are Olympians. Many of them are not just Arjuna Award winners. They've gone on to win many other awards. The contribution of Haryana and Punjab to Indian sport, particularly in hockey, in wrestling, in shooting, and in boxing, has been
absolutely exemplary. Just going through that list, you could actually see several of India's finest sportsmen and sportswomen decide to support this cause by giving up what is most dear to these sportsmen and sportswomen. It's the honor which the country gives them, the Arjuna Award being one of the main ones.